हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक उसी तरह का प्रोग्राम जो कि इस बार जो डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा, मैंने लिखा है, देख सकते हैं। तो यहां पर जैसा कि देख सकते हैं लिखा हुआ है प्लीज एंटर द डेसिमल नंबर। तो हम कोई डेसिमल नंबर एंटर करते हैं लाइक 55, तो उसका बाइनरी कन्वर्जन हमें मिल जाता है, देख सकते हैं। अब ये बाइनरी कन्वर्जन सही है या नहीं है इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 11 0111 यही आया है ना 55 का। तो यहां पर मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूं कैसे ये कन्वर्ट होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। फिर इस तरीके से कर लेता हूं। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, किसको, 55 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 55 और यहां पर हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 2 4 हो जाएगा, डिवाइड करिए जो रिमाइंडर आएगा उसको साइड में लिख देना, 2 2 4 रिमाइंडर 1 हो गया, 2 7 14 रिमाइंडर 1 जो है इसको इधर लिख दिया, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो फिर इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा और 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो यहां पे लिख दिया रिमाइंडर। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14 होता है लेकिन 2 6 12 होता है, तो 2 6 12 करेंगे, रिमाइंडर यहां लिख देंगे। फिर देखिए 2 3 क्या होता है, 2 3 6 होता है, तो इसको यहां से ऐसे कर दिया और इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं यहां से ताकि और नीचे तक ये जाएगा। तो यहां पर 2 3 6 जब होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0, तो यहां पर 0 कर देते हैं, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है, तो कितनी बार में आया था ये 2 3 6 हुआ था, ठीक है, और रिमाइंडर 0 बच गया था। अब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2 आएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, यहां पर 1 बचेगा। यहां पर आप कट कर दीजिए इसको और इस 1 को लेके आ जाइए इधर, ठीक है, और उल्टा चलना है आपको, उल्टा, ठीक है, इस तरीके से, समझ में आ रहा है, उल्टा चल दीजिए। तो आंसर क्या आ गया आपका, यहां पर 2 टाइम 1 है और फिर 0 है और फिर 1 1 1, यही तो आंसर आएगा, ठीक है। यहां बाइनरी हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 11 0111। तो चलिए एक बार देखते हैं आंसर क्या आया है। तो यहां पर जब हमने रन कराया है, एक बार फिर से मैं इसको रन करवा देता हूं, देखिए 55 था तो 55 को हम कन्वर्ट करेंगे तो 11 0111 आ रहा है, बिल्कुल वही आंसर है जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, देखिए 11 0111, ठीक है। यहां पर भी वही आंसर आपके सामने है, 11 0111, क्लियर है। इसी तरीके से किसी दूसरे को हम लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर इसको क्लोज करते हैं, फिर एक बार इसको रन करवाते हैं, तो ये रन करवा देते हैं और इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम लेते हैं 10 को, 10 का कन्वर्जन होगा। तो ये देखिए 10 को कन्वर्ट किया, ये 10 10 कंसिडर मत कीजिएगा इसको, ये 10 नहीं है, ये 10 है, पूरा 10 बोलेंगे इसको, और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 1010 आएगा। कैसे आएगा 1010, आइए आपको दिखाता हूं। तो यहां पर ये गलत, चलिए, तो हमने लिया था 10, तो 10 है ये, 10 नहीं है, इसको 10 मत कंसीडर करिएगा, ये 10 है, ठीक है, ये डेसिमल है, बाइनरी होता तो 10 पढ़ते। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, यहां 0 लिख देते हैं। फिर 2 से इसको डिवाइड करते हैं और 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, तो यहां 1 लिख देते हैं। फिर 2 1 2 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, तो यहां 0 लिख देते हैं और ये 1 कट जाएगा और यहां पर लेके आ जाएंगे और उल्टा चल देंगे ऐसे, यानी आंसर क्या आ गया आपका, 1 0 1 0, यही आंसर आया ना। तो अभी चेक करते हैं हमारे जो आंसर आया हुआ है जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया उससे ये मैच कर रहा है या नहीं। तो यहां पर आ गए, एक बार फिर से इसको रन करवा लेते हैं, तो पहले पुराना आउटपुट दिखा देता हूं, 1010 आया था, फिर एक बार इसको रन करवा के दिखा देता हूं ताकि और भी चीजें क्लियर हो जाए। तो ये देखिए यहां पर आए और यहां 10 एंटर करता हूं, 10 एंटर किया, देखिए 1010 आ गया। तो ये बहुत आसान है, आसानी के साथ आप बना लेंगे प्रोग्राम, प्रोग्राम एक बार फिर से देख लीजिए, आप वीडियो में करवाया था, ठीक है। आई होप की बात समझ में आई होगी, ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।